नमस्कारम सद्गुरु, मैं अपनी पीढ़ी, इस युवा पीढ़ी में शराब और दूसरी नशीली चीज़ों की लत के बारे में सच जानना चाहता हूँ। बहुत छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे भी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनको कुछ देर के लिए एक तरह का अनुभव देता है, और ये बहुत डरावना और ख़तरनाक है। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और लोगों को इससे निकालने का सबसे अच्छा तरीका, अधिक व्यवहारिक और प्राकृतिक तरीका क्या है। नमस्कार नाग, मुझे आपका नाम पसंद आया। नाग या कोबरा मुझे हमेशा बहुत प्रिय रहे हैं, और अगर आपको पता ना हो, नाग का विष भी नशा दे सकता है अगर उसे एक खास तरह से इस्तेमाल किया जाए। समाज में नशे की जरूरत क्यों बढ़ रही है, इसके कई कारण हैं। एक मूलभूत चीज ये है कि लोग अब अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। समाज का एक बड़ा हिस्सा अब उस जद्दोजहद से बाहर निकल चुका है। जब लोग गुजारा चलाने के संघर्ष से बाहर निकल जाते हैं, उन्हें दूसरी चीजें खोजनी चाहिए जिनमें उनकी दिलचस्पी हो और वो जुनून के साथ उसमें जुड़ सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो शारीरिक सुख और नशे की जरूरत स्वाभाविक रूप से उस समाज में बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चाहे माता पिता संपन्न हो, मगर बच्चों को एक खास उम्र तक उस संपन्नता का अनुभव नहीं होना चाहिए। इस संस्कृति में राजा महाराजा भी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे, जहां वे दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते थे, जहां हर कोई बहुत मूलभूत जरूरतों के साथ रहता था, क्योंकि जरूरी अनुशासन, भागीदारी और जीवन के साथ जुड़ाव की भावना किसी के जीवन में दौलत आने से पहले आनी चाहिए, वरना दौलत आपके सर में चढ़ जाएगी और एक बोझ बन जाएगी। इस पीढ़ी के साथ यही हो रहा है। एक और वजह यह है कि इन दिनों काफी हद तक माता पिता दोनों बाहर काम करते हैं। शुरुआती उम्र में बच्चे को जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्चों का ध्यान भटक रहा है। और वे पर्याप्त शारीरिक गतिविधि भी नहीं करते। जब आप अपने शरीर की फिटनेस का आनंद नहीं लेते तो आपको नशे में ही आनंद आएगा। अगर आप अपने सिस्टम की जीवंतता और ऊर्जा का आनंद नहीं लेते तो नशा ही इकलौता तरीका रह जाता है। ड्रग से सिर्फ नशा ही नहीं होता, उन्हें कुछ घंटों के लिए जबरदस्त रोमांच का भी अनुभव होता है। इसलिए ये पीढ़ी बड़े पैमाने पर उस ओर बढ़ रही है। And one more significant reason why एक और अहम वजह कि ये पीढ़ी इन ड्रग्स की ओर बढ़ रही है वो ये है कि उन्हें स्वर्ग के जो सपने दिखाए गए थे वो ढह रहे हैं। शायद वे इसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ये कहने की स्पष्टता या साहस नहीं है, मगर लंबे समय से हमने लोगों को ये कहकर मैनेज किया है कि अगर आप इन चीजों से दूर रहते हैं तो स्वर्ग में आपको बहुत बड़ी मात्रा में ये सारी चीजें मिलेंगी। अब स्वर्ग ढह रहे हैं, इसलिए वो यहीं पीने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह इसके कई पहलू हैं। मूल रूप से एक इंसान के लिए अपना जीवन बचाने के लिए शारीरिक संघर्ष करने की जरूरत नहीं रह गई है, यही नशे की जरूरत को बढ़ाता है। इसके समाधान क्या है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप में से जिन लोगों के बढ़ते बच्चे हैं, आप उन्हें खेलों में शामिल करें और दूसरी चीजों की ओर प्रेरित करें जो उन्हें प्रकृति से जोड़ती है, जैसे ट्रेकिंग, पहाड़ की चढ़ाई, स्विमिंग, कोई तीव्र गतिविधि, और साथ ही प्रकृति के साथ जुड़ाव, कला, संगीत, उनमें किसी न किसी चीज को लेकर दीवानगी होनी चाहिए। उन्हें सुख जानने होंगे अपनी बुद्धि के, अपनी भावना के, अपनी चेतना के। जब व्यक्ति आनंद लेने लगता है मन के सुखों का, बुद्धि की तीक्ष्णता के सुखों का, भावनाओं के सुखों का, अपनी चेतना के सुखों का, तो शरीर के सुखों में डूबना स्वाभाविक रूप से बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चे कई तरह की गतिविधियां करें और बहुत सी चीजों में जोश के साथ भागीदारी रखें। यह शराब और ड्रग्स की जरूरत को कम कर देगा, मगर हमें यह समझना होगा, आजकल इसकी तगड़ी मार्केटिंग हो रही है, और माफ कीजिएगा, फिल्में इसका प्रचार कर रही हैं।
हर जगह उसे इस तरह दिखाया जाता है मानो जब तक आप पीते नहीं आप बेकार हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप पीते हैं? मैं कहता हूँ हाँ, मैं पानी पीता हूँ। वो मुझे ऐसे देखते हैं मानो मैं कोई विचित्र प्राणी हूँ। सिर्फ पानी? हाँ, सबसे शानदार चीज जो आप पी सकते हैं वो है पानी, क्योंकि ये शरीर पानी से बना है, शराब से नहीं। ये शरीर 70% पानी है, निश्चित रूप से शराब नहीं। मगर सबसे बढ़कर मेरा मामला अलग है, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के भीतर खोज लिया है कि कैसे। ये सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। अगर आप नशा चाहते हैं तो आप उसे अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, एक ऐसा नशा जो आपको नशे में धुत और साथ ही बहुत जागरूक बनाता है। हमें अपने बच्चों और युवाओं को इस नशे के बारे में बताना चाहिए, इसीलिए हम योग की तकनीक को हर किसी के जीवन में लाने की कोशिश में जुटे हैं। अगर आप अपने अंदर कुछ खास अवस्थाओं में चले जाएं, तो आपको ऐसा नशा होगा जैसा किसी भी ड्रग या शराब से कभी नहीं हो सकता। साथ ही आप पूरी तरह जागरूक भी रहेंगे और यह आपकी सेहत व खुशहाली के लिए भी चमत्कार करेगा। समय आ गया है कि हम तकनीकी रूप से अधिक बेहतर तरीके से चीजें करें। हमारे पास इसके तरीके हैं कि लोग अपने अंदर की ओर मुड़कर जीवन के सबसे बड़े सुखों को जान पाएं। हमें अपने युवाओं को इसका अनुभव कराना ही चाहिए। जब तक आप उन्हें विकल्प नहीं देंगे, वे वापस बोतल और गोलियों की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल सेहत के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, शांति के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, खुशी के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, अपने अंदर किसी भी अनुभव के लिए आपको केमिकल्स की मदद चाहिए होती है। आपको समझना चाहिए कि जब कोई पीढ़ी इस तरह केमिकल्स का प्रयोग करती है, जब 90% लोग रोजाना दवाइयों और दूसरी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो हम जो अगली पीढ़ी पैदा करेंगे वो कई रूपों में हमसे कमतर होगी। ये मानव जाति के प्रति अपराध है। हम सबको अब जागना होगा और जरूरी चीजें करनी होंगी।